नमस्ते दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं आईपी पटेल जी के पास में। और हमें भी पता है, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए और आप लोगों ने पूछा भी था कि आजकल का जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जो युवा समाज है, उनके जो आदर्श हैं पटेल जी, तो उनसे आप ज़रूर बात कीजिए कि वो जो आज की तारीख में एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29 और 30 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनसे जाने। तो आज हमारे साथ में है, सबसे पहले तो आपका पटेल जी सत्य सनातन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे युवा आपको बहुत दिल से फॉलो करते हैं और आपकी हर बात को, आपके हर ट्वीट को बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारे युवाओं को आप बताइए कि 29 और 30 जो आर्टिकल है जिसके ऊपर आपने इनिशिएटिव लिया हुआ है, उसकी डिटेलिंग क्या है और उसका आना यह है क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर कार्य करना। बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक में जो अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, और उनमें से 29 और 30 29 और 30 अनुच्छेद में अल्पसंख्यक संस्थानों को उनका संचालन करने के लिए, उनका उनके नियम बनाने के लिए और उनके किसी प्रकार के नियमन के लिए उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं कि अल्पसंख्यक के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको अपने आधार पर वो चला सकते हैं, उनके नियुक्तियां कर सकते हैं, और इवन जो स्टेट द्वारा फंडेड हैं उन पर भी वो अपने हिसाब से वो संचालन कर सकते हैं जी। जो उनके धार्मिक संस्थान हैं उनका भी, उनको संचालन का, उनको नियमन का अल्पसंख्यकों को अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अल्पसंख्यक शब्द की कहीं पर भी विवेचना नहीं की गई, उसकी कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो किसी कानून में, लेकिन उनको विशेष अधिकार दे दिए गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि जिनको कथित अल्पसंख्यक कहा जाता है, हिंदूज के अलावा बाकी सारे अल्पसंख्यक हैं भारत में, वो अपने कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, किसी भी प्रकार से नियुक्तियाँ कर सकते हैं, जिनको चाहें वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, जिस अपने अल्पसंख्यक को वो रिजर्वेशन भी दे सकते हैं मनमाना चाहें। आप AMU में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि 50% आरक्षण है, जबकि 50% आरक्षण तो संविधान भी नहीं देता है। तो और इसका नतीजा ये हुआ कि जो बाकी जो हिंदू संस्थान हैं, मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने धर्म की पढ़ाई नहीं करा सकते। आप हिंदू स्कूल्स में जो सरकार द्वारा फंडेड हैं, रामायण की या गीता की या रामचरितमानस, इनकी पढ़ाई नहीं करा सकते, लेकिन जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनके पढ़ाई करा सकते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का उनको पूरा राइट है। तो इस विषय में भी लगातार हम लोग इस पर डिमांड करते रहे कि जब समय संविधान बना था उस समय हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ रही हों कि वो विशेष अधिकार उनको दिए गए, लेकिन अगर हम कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है तो सेकुलर देश में अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद का कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए, किसी को भी स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए। बिल्कुल, यह एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है जो आप कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जब तक अपने धर्म को नहीं जानेंगे, और यह आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो आधुनिक यानी कि जो अर्वाचीन शिक्षा है और जो प्राचीन शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन एंड एंशियंट एजुकेशन, उसको लेने के लिए हमें गुरुकुल या तो जाना पड़ता है, पूरी तरीके से इस पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है, जबकि वो लोग अपनी दोनों तरीके की एजुकेशन अपने मदरसे में ले भी सकते हैं, और सरकारें भी कह रही हैं कि अब तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हम कंप्यूटर दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह बात नहीं आती है कि एक हाथ में गीता या वेद देंगे और दूसरे हाथ में हम कंप्यूटर देंगे। तो इस तरीके की ये बातें हिंदुस्तान में क्यों होती हैं, जबकि यहाँ का बहुसंख्यक समाज जो है वो अपने धर्म को ही नहीं जान पा रहा है, सरकारें भी इस तरीके की बातें क्यों करती हैं? पूरी तरह से ये जो है ना वोट बैंक की राजनीति होती है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये एक मंतव्य रहता है कि भाई हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए और बाकी जो अल्पसंख्यक, जो कथित अल्पसंख्यक है, उनको तो मैं अल्पसंख्यक नहीं मानता हूँ, उनको उनको आप चंक में एक साथ वोट ले लीजिए, इसलिए सिर्फ उनके तुष्टिकरण की बात की जाती है। और जो समा जो एक्चुअल में जो 80% 78% जो हिंदूज पॉपुलेशन है उनके अधिकारों की बात नहीं की जाती, उनको हमेशा दरकिनार किया जाता है, और ये पिछले लगभग 70 सालों से ये होता आया है। अब हालांकि इस सरकार में अब जाके इन सब चीज़ों में कुछ सुधार आया है, तुष्टिकरण की राजनीति कुछ ना कुछ बंद हुई है अभी। हाँ, इस बात से तो खैर अभी हम भी कह सकते हैं कि थोड़ी तो तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हुई है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसके पीछे बहुत सारे एक्टिविस्ट भी लगे हुए हैं, संत साधु भी लगे हुए हैं, तो इसमें अभी कितनी आगे प्रोग्रेस हुई है?
जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हम लोग कई सालों से उठा रहे हैं। इस पर हमने हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और ये खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त को ये जनसंख्या नियंत्रण का विषय उठाया, क्योंकि जनसंख्या का मुद्दा किसी समुदाय, जाति या धर्म से नहीं है। जनसंख्या बढ़ने से, जनसंख्या विस्फोट होने से सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं को ही सफ़र करना पड़ता है, ना तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ना बच्चों को प्रॉपर खाना मिलता है, ना अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ना अच्छी एजुकेशन मिलती है। आज देश में पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, खाद्यान्न का भी संकट कहीं कहीं आता है। तो इन सब सारी समस्याओं का एकमात्र ही निदान है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। चीन जैसा बड़ा देश था जो डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट उसमें हो रहा है, उसका कहीं कहीं कारण यही कि उसने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया। हमारी जो दूसरे नंबर पर हम लोग आज की डेट में पॉपुलेशन पे आ गए हैं, चाइना की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। भारत में कहते जरूर नहीं कि 125 करोड़ है, लेकिन अगर घुसपैठियों को और सबको मिला दिया जाए और कुछ समुदाय के लोग एक्चुअल अपनी पॉपुलेशन नहीं बताते हैं, तो 140 करोड़ से ज़्यादा हमारी संख्या हो गई है, जबकि हम क्षेत्र के हिसाब से 7वें नंबर के देश हैं। तो जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हम कितना भी डेवलपमेंट करते जाएँ, हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2022 तक सभी को घर होगा, तो अगर जितने वो घर बनाएंगे, 2 करोड़ घर बनाएंगे, उससे कहीं अधिक पॉपुलेशन बढ़ जाएगी अपने आप में। तो हम सबको ना तो रोजगार दे सकते हैं, ना तो अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, ना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। कितने में हॉस्पिटल बना लें, वो सब कम पड़ जाएगा। इसलिए देश के विकास के लिए और सभी वर्गों के विकास के लिए इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ अगर बनता है, तो इसमें सभी वर्गों का हित है, किसी एक समुदाय का, कोई हिंदू का ऐसा नहीं कि हित है, सभी वर्गों का हित है इसमें। आज हम आए हुए हैं इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज़, तो इसमें कन्वर्जन का जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। आए दिन मेरे पास भी फ़ोन आते रहते हैं। एक लड़की का कल ही फ़ोन आया था कि मैं कन्वर्ट होना चाहती हूँ, और या तो मुझे वेद के ऊपर एक आंसर चाहिए या तो वो दे दीजिए। मैंने उसका आंसर किया, वो काफ़ी खुश हुई, लेकिन उसने मुझे एक सच्चाई बताई कि आजकल हो यही रहा है, कोई हाथ में कलावा बांध करके लड़कियों के पास पहुंचता है, धीरे धीरे वो उसमें दोस्ती दोस्ती से प्यार बढ़ता है, और ये पूरी तरीके से एक जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है, बहुत प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है। ये एक बहुत बड़े स्तर पर होने वाला काम, जो वेल प्रोग्रामिंग इसकी हो रखी है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं और उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए क्या प्लानिंग्स हो सकती हैं? जो देश में जो धर्मांतरण चल रहा है, मतांतरण जो हिंदू धर्म के लोगों का दूसरे धर्म में होता है, इसका भी कारण कहीं ना कहीं से आर्टिकल 29 और 30 है। 27, 28 और 29 में उनको अपने धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिली है बाकी अल्पसंख्यकों को। कहीं पर भी संविधान में यह नहीं लिखा है कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का धर्मांतरण कर सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आना चाहे वो ठीक है, लेकिन आप उसको लालच दे करके, उसी गरीबी का फ़ायदा उठा करके, उसको धोखे में रख करके ये उनको धर्मांतरण करना, ये कानूनी तौर पर अपराध है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और कई राज्यों में ने इस विषय पर कानून बनाया भी है। मध्य प्रदेश में ऐसा कानून है, हिमाचल में है, झारखंड ने काफ़ी कठोर कानून बनाया है, लेकिन बात यही होती है कि उनके शिक्षण संस्थानों को, उनके संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। कोई अल्पसंख्यक है उसको वजीफा भी अच्छा मिलता है, उनको शिक्षा भी मिलती है, अस्पताल की सुविधा मिलती है। इस कारण से बहुत सारे लोग भी धर्मांतरण करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जो दलित क्षेत्र हैं उनको भी, उनको खाद्यान्न का संकट रहता है, खाने पीने का संकट रहता है, उन सब चीज़ों में भी उनको स्वास्थ्य और शिक्षा का लालच देकर के भी धोखे से या पैसे देकर के उनको धर्मांतरण कराया जाता है। तो इस विषय पे भी हमारी मांग रहती है कि इस पे कठोर एंटी कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए, किसी को भी धोखे से, बलात् तरीके से धर्मांतरण या पैसे दे करके या लालच करके नहीं कराना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, तो खाली हमारा एक व्यक्ति ही कम नहीं होता, एक हमारा एक दुश्मन भी बढ़ जाता है, जो हमारे लिए अधिक खतरनाक होता है। और जो नया व्यक्ति धर्मांतरण करके दूसरे संप्रदाय में जाता है, वो और भी अधिक कट्टर होता है, और भी अधिक खतरनाक होता है। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। एक अंतिम क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा इसमें, कि जो हमारे दर्शक बहुत पूछते हैं, कि भारत में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा है या उसका कुछ प्रतिशत निर्धारित है भारत में अथवा यूएन में कहीं हो, इस तरीके का कुछ निर्धारित है, या फिर ये अगर 50% भी हो जाएंगे तो भी इनको हम अल्पसंख्यक ही कहते रहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक शब्द तो कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया, उनको स्पेशल राइट्स भी दे दिए, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा कहीं डिफाइन नहीं की। ये बस ये माना जाता है कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा भी, कि जब 50% से जो कम होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे, लेकिन एग्जैक्ट कहीं पर उसको ऐसा कानून में या संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। तो आमतौर पर बस यही माना जाता है कि हिंदूज़ के अलावा जितने लोग हैं, जितने अदर संप्रदाय हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी या यहूदी, वो सारे अल्पसंख्यक हैं। और इसका इतना ज़्यादा मिसयूज होता है कि जो एक समुदाय जो है 20% की जनसंख्या है, जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उसको भी आज के डेट में
अल्पसंख्यक माना जाता है, कश्मीर जैसे राज्यों में वो बहुसंख्यक हैं, लक्षद्वीप में वो 98% हैं, कश्मीर में 60% हैं, इसके बावजूद भी उनको अल्पसंख्यक माना जाता है और सारे अल्पसंख्यकों के फ़ायदे लेते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का कभी कोई आदेश दिया है कि इसके ऊपर दोबारा से एक बार विचार किया जाए या अथवा नहीं? हाँ, अभी हाल ही में एक PIL में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, सरकार को बोला है और अल्पसंख्यक आयोग को बोला है कि आप अल्पसंख्यक को परिभाषित कीजिए, आप बताइए कि भारत में कौन कौन लोग अल्पसंख्यक हैं। अब ये सरकार की और अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक को परिभाषित करें, वो बताए कि कितने परसेंट के लोग कौन समुदाय अल्पसंख्यक हो सकता है और कौन बहुसंख्यक होता है। और पिछले भी सुप्रीम कोर्ट के एक दो निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अल्पसंख्यक जो है का निर्धारण राज्य स्तर पर होना चाहिए ना तो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। हो सकता है कोई समुदाय एक स्टेट में अल्पसंख्यक है, दूसरे स्टेट में बहुसंख्यक है, हिंदू देश में बहुसंख्यक है लेकिन 8 स्टेट में अल्पसंख्यक है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों में वो अल्पसंख्यक हैं, कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं, पंजाब में अल्पसंख्यक हैं। आपने हमारे दर्शकों का, खासतौर पर युवाओं का, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और बहुत सारे जो क्वेश्चन उनके मन में थे उन सबका बहुत ही सरलता से और सरल वाक्यों में आंसर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।